हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है, कईयों ब्रांचेस का एग्ज़ाम के बाद आप लोग घर के लिए आज बड़े उत्सुक होंगे। बहुत सारे कुछ लोग रुकने की वो भी देख रहे होंगे कि किसी तरह चाहे महीना 10 दिन 5 दिन जो है रुक सकूं, क्योंकि आपके लास्ट यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद है। लेकिन कुछ एक लोग घर के लिए बहुत उत्साहित है और आप लोग निकलने का आपका टिकट भी बुक हो गया होगा। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, इसके लिए आप लोग को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज कि आपका रिज़ल्ट जो है आपके अनुकूल ही रहे और जल्दी से जल्दी आप लोग की डिग्री आपके हाथ में आ जाए। क्या हाल चाल? तो इसके बाद क्योंकि जो लोग घर जाना चाहते हैं या जो जिनका अभी प्लान है उनके लिए, एक तो सबसे पहले मैं एक आपके फ़ायदे की ये बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि टैक्सी वालों का रेट यहाँ से बहुत ज़्यादा है, और कभी तो किसी किन्हीं बच्चों से जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, बेचारे सीधे होते हैं, तो उनसे ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोग ये एश्योर करें कि जो भी, जब आप टैक्सी को कॉल करते हैं तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि आपके पास सामान कम है तो एक दो लोग टैक्सी को बुला लें ताकि जो उसका जो खर्चा है वो शेयर हो जाए। जैसे मान लो टैक्सी यदि 300 रुपये आपसे चार्ज करती है, तो कई टैक्सी वाले मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर दो लोग उसमें जाएंगे तो वो 300-300 रुपये दोनों से लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है और आप लोग दे भी देते हैं। ऐसा मत करिए, अगर 300 रुपये चार्ज लिया है तो आप 150 और 150 रुपये दे के इस ढंग से शेयर करके आप उनको दे दीजिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों में से घर जाते हैं या घर जाना चाहते हैं, अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो बस स्टैंड तक की होती है कि आप जो है बस स्टैंड कैसे जाएंगे। तो HRTC की कैब आपको यहाँ जहाँ भी आप कॉल करेंगे वहाँ वो आती है, और HRTC की कैब, मैं नंबर ये नीचे स्क्रीन पे नंबर दे दूँगा, बहुत नॉमिनल चार्ज और बहुत नॉमिनल चार्ज है, शायद यहाँ 150 रुपये NIT के लेते हों, और उसमें स्पेस भी बहुत बड़ा होता है, आप जो है 4-5 लोग जाके तो 150 रुपीज़ को आप डिवाइड कर सकते हैं, वो भी आपसे अलग अलग चार्ज नहीं ले सकता है। इस बात का भी ध्यान और वो कर लीजिए कि जब आप यहाँ से निकलना चाहो तो HRTC कैब को ही बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सस्ते आपको पड़ता है वो। और इस बात का भी, और टिकट ज़रूर लो, वो आपको टिकट देगा। 150 रुपये अगर लेगा, 160 रुपये लेगा, उसके जब आप नीचे बाज़ार पहुँचते हो उसके बाद 150 रुपये का उससे टिकट ले लो, इस बात को ज़रूर, क्योंकि वो पैसा सरकार के खाते में जाए ताकि ये कैब जो है आपके लिए जो नॉमिनल चार्जेस में ये चली है वो चलती रहे, नहीं तो वो बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कैब है वो, और टिकट का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, आपने टिकट ज़रूर लेने है उस ड्राइवर से। तो सामान वाला और सामान भी आप उसमें, हाँ कुरियर वाला, उसमें सामान भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो बैन है एक्चुअली, और बैठने के लिए भी अच्छा है और आपको नॉमिनल चार्जेस में आपको वहाँ पे पहुँचाती है। ये तो रही आपके HRTC जो कैब है उससे, जो जैसे आप जिसके थ्रू आप या NIT से बस स्टैंड तक जा सकते हैं। दूसरा है नो ड्यूज़ की, कोशिश करो कि आप लोग जो है अपना नो ड्यूज़ करके जाएं आप, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अभी भी बहुत सारे सालों के बहुत पुराने पुराने आपके सीनियर्स जो है उनका नो ड्यूज़ नहीं हुआ है, जिस वजह से उनका पैसा अटका हुआ है। तो आप लोग जो है NIT की वेबसाइट से मिसलेनियस डाउनलोड्स में जाके उस परफॉर्मा को, जो नोड्यूज परफॉर्मा है उसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको भर के जिस हॉस्टल में आप रहते हो, जिस हॉस्टल में आप रहते हो उस हॉस्टल के वार्डन से करा के, उसके बाद आप जो है DSW ऑफिस से, डीन एलुमनाई से, सबसे पहले तो एलुमनी पोर्टल पे आप तुरंत, सबसे पहले एलुमनी पोर्टल पे आप खुद को रजिस्टर कर लो,
क्योंकि डीन एलुमनाई के पास जब वो साइन होने जाएगा तो आप एलुमनी पोर्टल पर आप रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी में लाइब्रेरी से करेंगे और लाइब्रेरी के बाद आपका जो ब्रांच है हेड के पास से साइन करा के उसको डीन एकेडमिक को दे दें। मैं डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे कैसे करना है। ये ज़रूर करके जाएं ताकि जो है आपका जल्दी से जल्दी जो आपका पैसा बचा होता है इंस्टीट्यूट में आपके 4,000 रुपये सिक्योरिटी है वो आपको आ जाएगी जैसे आपका नोटिस क्लियर हो जाता है। और उसके बाद आपकी 2,500 रुपये सिक्योरिटी चीफ वार्डन ऑफिस में है और जो पैसा आपका मेस में बचा होगा वो आपके अकाउंट में सारा कुछ आ जाएगा। सब क्लियर होने के इस सब के लिए हाँ ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद ही ये सारा कुछ आपको मिलेगा। दूसरा आप एक अच्छी बात क्या कर सकते हैं कि जाने से पहले जो आपका हॉस्टल है वहाँ पर हॉस्टल लेज़र पे आप अपना अकाउंट नंबर ज़रूर वहाँ पे दें, अकाउंट नंबर, बैंक नाम और आईएफएससी कोड, ताकि जो है आपका पैसा गलत अकाउंट में न जाए। वैसे तो आपको अकाउंट नंबर ऊपर डीन एकेडमिक में लिया होता है लेकिन कईयों चेंज कर देते हैं और इस वजह से आप लिखा के जाएं ताकि जब हॉस्टल से आपको रिफ़ंड करना है तो वो आपके अकाउंट में आए। तो ये है दूसरी चीज़। तीसरा था कि आप बड़े बड़े बैग लेके घर जाते हैं तो कोई बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कुरियर के थ्रू और पार्सल के थ्रू भेजते हैं। तो इंडियन पोस्ट यहाँ पे एनआईटी का इंडियन पोस्ट है जो चीफ वार्डन ऑफिस के ऊपर है बैंक के ऊपर, वो भी आपके पार्सल को भेजता है। आप 10 से 15 किलो का पार्सल पैक करके वहाँ पे दे दो और वो बहुत ही कम चार्जेस में मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 रुपए किलो है शायद, आई एम नॉट श्योर लेकिन आप पूछ सकते हैं, लेकिन कम है। जबकि जो ये कुरियर वाले हैं ये आपसे 60 से 70 रुपए पर केजी के हिसाब से लेते हैं, 60 से 70 रुपए पर केजी के हिसाब से ये लेते हैं। और जो ये यहाँ पे इंडियन पोस्ट है ये 20 से 25 रुपए तो नॉमिनल चार्ज ही हुआ लगभग, उसके हिसाब से आप स्पीड पोस्ट अपने घर के लिए अपना सामान भेज सकते हैं ताकि आप आराम से बिना किसी लोड के आप घर जा सको। और जो जाना भी चाहते हैं वो अपनी बुक्स वगैरह पिकअप करके पहले भेज सकते हैं और जिस हिसाब से भी आपको आपके प्लान के हिसाब से फिट बैठता है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप और सुविधा देखना चाहते हैं या कुछ पता करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। और ये तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि एलुमनी पोर्टल पर तो सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर कर लो ताकि नोटिस हो जाए, दूसरा नोटिस करा लो जाने से पहले। नोटिस कराने के बाद जो है एक तो HRTC कैब का मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उस नंबर पे कॉल करके उसको बुला सकते हैं। और ये जो कैब है ये सुबह अवेलेबल रहेगी शायद 8 बजे से लेके 6 बजे शाम तक, सुबह 8 से 6 बजे शाम तक ही ये कैब उपलब्ध आपको होगी। और तीसरा मैंने इंडियन पोस्ट से आप भेज सकते हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस है जो बैंक के ऊपर वहाँ से 10 से 15 किलो का आप अपना पैकेज तैयार कर सकते हैं और वहाँ ले जाके उसको कुरियर कर दो घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए क्योंकि आप लोग भी अब जब जाएंगे तो एलुमनी हो जाएंगे हमारे पास, कभी दोबारा भी आना चाहेंगे, यहाँ की कोई भी ऐसी न्यूज़ है आप लोग तक पहुँचे, कोई भी ऐसा चीज़ें यहाँ पर होती है तो आप अपने जो एक्सपीरियंस अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, इनको भी गाइड करते रहिए। और कभी भी आप किसी अच्छे पोस्ट पर निकलते हैं तो मौका मिलता है तो ज़रूर NIT हमीरपुर के जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, उनको मौका दीजिए। जिस कंपनी में आप अच्छी पोस्ट में यदि जाएंगे तो इनको कोशिश करिए कि उस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाइए ताकि यहाँ से काफ़ी से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर आपके जो बेस्ट फ्यूचर के लिए, और आप लोग अच्छी जगह जाएं ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।